हे हाय दोस्तों, फिलहाल बारिश कम हो गया है और मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त से मिलने के लिए। और ये रही मेरी बुलेट की की। अब मैं स्टार्ट करूँगा और इनका आवाज़ आपको सुनाऊँगा, ठीक है? अब ये की लगाया मैंने, ये देखो भैया, ऐसे चालू होता है बुलेट। ये नया मॉडल बुलेट का, ये ऑन करने के लिए साउंड देखो आप। अब ये रहा स्टार्ट, कैसा है आवाज सुनोगे? भैया ये जो चलाने में मजा है ना, किसी और में नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, इसका आवाज। और लगता भी नहीं है कि अगर तुम लोगों ने चलाया होगा तो मुझे पता नहीं। देखो कैसा चल रहा है। ओके, और ये ऐसा चलता है। फिलहाल मैं मेरे दोस्त के पास जा रहा हूँ और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको उससे मिलाता हूँ, ठीक है? हे दोस्तों, हाय। फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ मेरे दोस्त के घर पे, तो आप लोग देख सकते हो वो यहाँ पर रहता है। ओके, सो अभी देखूंगा क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली मीन्स क्या रिज्यूम बनाना है क्या नहीं करके, उसके बाद मैं यहाँ से हो सका तो बीच में जाऊंगा, आप लोगों को बीच भी दिखाऊंगा। और सॉरी, हाँ, ये वीडियो क्लियरिटी नहीं है इतनी अच्छी, क्योंकि मैं जो उसमें से शूट कर रहा था वो मेरे भाई का मोबाइल था और ये मेरा मोबाइल है। ये नॉर्मल फ़ोन है यार, रियलमी का 5 प्रो, एक 4 साल हुआ रहेगा इसको, उसमें से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। भाई मुझे इतना बड़ा व्लॉगर नहीं बनना है। ओके, छोटा हूँ, छोटा ही सही। ओके, तो स्टे ट्यून, और आगे और वीडियो बना रहा हूँ, इसके आगे क्या होता है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? चलिए बाय। हाय दोस्तों, फिलहाल मैं आ गया हूँ मेरे दोस्त के घर पे, इसके अंदर में रक्षित, वो भाग रहा है। ओके, तो कैमरा चाहिए, वो एक्चुअली उसको बात करना पसंद नहीं है। ओके, हाय फ्रेंड्स, फिलहाल मैं हूँ उडुपी के मलपे बीच पे, तो मैं आप लोगों को बीच बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। अगर आप लोग बाई चांस कर्नाटक में उडुपी में आने वाले हो तो यहाँ पर देख सकते हो हॉर्स राइडिंग भी है और मोटर बाइकिंग भी यहाँ पर रहता है कभी कभी। फिलहाल नहीं है क्योंकि आज जो है वो वीकेंड नहीं है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखिए, मुझे ऐसा नज़ारा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नेचर जो इतना अच्छा है ना, उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता, ये याद रखना। ये नेटेड डाला है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। हाँ, ये मतलब इसके आगे जाना मना है, बट स्टिल कुछ लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जाते आगे। चलिए, नेट जो है वो मैंने क्रॉस किया है और मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, वॉचमैन वापस सब लोगों को भगा रहा है और कुछ लोग फोटोज ले रहे। मेरे हिसाब से ना, कभी भी एनवायरनमेंट जो है, नेचर जो है, उसे एन्जॉय करना चाहिए, ना कि फोटो निकालो एंड ऑल। देखिए, ये बीच जो है कर्नाटक में उडुपी पे आता है। अगर आप कभी कर्नाटक में आ रहे हो तो उडुपी बीच में आइएगा, विजिट कीजिए। इसे मलपे बीच कहते हैं। ये जो समंदर देख रहे हैं आप लोग, ये अरबियन सी को कनेक्ट होता है, और उधर जो टापू है उसे सेंट मेरीज कहते हैं, सेंट मेरीज आइलैंड। फिलहाल बोट नहीं है, बट संडे और सैटरडे में बोट यहाँ पर रहता है, जो उस आइलैंड पे जाता है वो हार्डली वो लोग आपको 500 रुपीज़ कुछ चार्ज करेंगे। मेरे पीछे बीच का नज़ारा देखो कैसा है, समंदर एक नंबर है ना, क्या बोलती है पब्लिक, विजिट करो एक बार, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये था मलपे बीच, और फिलहाल मैं अभी घर जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड को ड्रॉप करके, और जाके मुझे कुछ कॉल्स लेने हैं ऑफिस के, वो अटेंड करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। फिलहाल मैं मेरे दीदी के घर पे हूँ, सो ये यहाँ पर मेरा दीदी का घर है, शी इज़ माई सिस्टर। ओके, चलिए अंदर चलते हैं। सो ये
देखिए मेरी बहन है, हाय बोलो। वो कैमरा शाई है थोड़ी एक्चुअली, तो इसलिए वो बातें नहीं करेगी। मैंने मेरा ड्रेस चेंज किया है फिलहाल। ओके, मेरे दो भांजे लोग हैं फिलहाल, वो लोग ट्यूशन गए आई गेस। सो जब भी मुझे बोर होता है या फिर कुछ काम नहीं रहता है तो मैं यहाँ पर रहता हूँ टाइम पास करने के लिए। अभी थोड़ा एक 5-10 मिनट मैं बात करूँगा, फिर मैं निकलूँगा। या मेरे भांजे आने लोग आने तक उनके लिए इंतज़ार करूँगा। दो भांजे प्रज्वल एंड शशांक, दोनों जने, इनके दो सुपुत्र कहते हैं वो, तो लोग आने तक वेट करूँगा। आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी करूँगा, तो तब तक स्टे ट्यून, बाय। तो फिलहाल मेरे भांजे लोग आने के लिए बहुत टाइम है, मतलब 8 बजेंगे, 8 साढ़े 8। मैं नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि 8 बजे मुझे एक क्लाइंट का कॉल है, वाया मीटिंग, सेम जूम, आप लोग बोलते हैं जूम और टीम व्यू, उसके हिसाब से। मैंने जैसे बोला कि वो लोग आने में लेट है, 8 साढ़े 8 बजेंगे, तो मैं निकलूँगा अभी शायद से। तो बैकग्राउंड में टीवी का साउंड चल रहा है और वहाँ पर गाड़ी का साउंड, ठीक है। तो ये उसका मतलब घर कम ऑफिस है उनका, डेंटल का एक ओन काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल है जो कि कर्नाटक उडुपी में ही है। अगर कभी आओगे तो मुझे बता देना, आप लोगों का अगर कुछ दांत का सेट बनाना होगा या डेंटल का प्रॉब्लम होगा तो हो जाएगा, मेरा नाम ले लेना, ठीक है। तो जस्ट किडिंग। तो आप लोग कभी भी उडुपी आओगे तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को मेरे बहन से, मेरे जीजा जी से, मेरे दोस्त साले लोग हैं उनसे मिलाऊंगा, साले नहीं है सॉरी, भांजे लोगों से। ओके, साले जो बीबी के भाई लोगों को बोल रहे हैं, सॉरी, तो मेरे भांजों को मिलाऊंगा। तो या और कुछ नहीं, आगे तो आप लोग को पता है वीडियो आता रहेगा। हाँ, और मैंने शर्ट बदल लिया था क्योंकि मैं जब बाहर गया था बीच के इधर तो भीग गया था, थोड़ा बारिश आ रहा था तो इसलिए भीग गया, तो इसलिए शर्ट चेंज किया। वैसे नहीं तो आप लोग समझोगे क्या है, कितना लौंडा बहुत बड़ा अमीर है घर के। नहीं भाई, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ, तो शर्ट चेंज किया। अगर मैं गीला शर्ट पहनता था तो वापस बुखार, फिर वापस हॉस्पिटल जाओ, तो वो सब मुझे पसंद नहीं है। तो अभी देखेंगे क्या होता है यहाँ पर, थोड़ा बात करूँगा फिर मैं निकलूँगा। आप लोगों को साथ घर पे बात करता हूँ मैं, ठीक है, चलिए बाय। हाय दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पर। मैं है हूँ आपका दोस्त सुनील। फिलहाल मैं मेरे घर पे आ चुका हूँ, आप लोगों को पता है मैं मेरी दीदी के घर पे गया था, सोचा मेरे भांजे लोग से मिलूँ करके, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग ट्यूशन गए थे तो नहीं मिल पाया। घर पे आ गया हूँ और आके एक 15-20 मिनट हुआ, मेरा खाना हो गया है। अगर आपका खाना नहीं हुआ है तो खा लीजिएगा, ठीक है। मॉम ने दाल बनाई थी और चपाती बनाई थी तो खा लिया मैंने ऑलरेडी। और थोड़ा सा सर्दी हुआ है मुझे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट की वजह से, टैबलेट ले लूँगा मैं। अपना ख्याल रखिएगा और जैसे कि मैंने बोला है खाना खा लीजिएगा, और अपने परिवार का ख्याल रखना। और गुड नाइट, शुभ रात्रि। इसके बाद मैं कल मिलूँगा आपसे। ओके, एक नए वीडियो, एक नए दिन के साथ। शुक्रिया बहुत सारा प्यार देने के लिए, और YouTube को मेरी ओर से और आपकी ओर से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, ज़िंदगी ना मिले दोबारा। शुक्रिया, बाय बाय।